कुरलुस उस्मान एपिसोड नंबर 35 है ये, एंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एंड अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आज का एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आजकल के, लोग बोल रहे हैं कि आप बीच में मत बोलो। तो मैं उन सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर हम बीच में बोलेंगे नहीं तो यार बोरिंग नहीं हो जाएगा? मतलब एक क्वेश्चन पूछना बोरिंग हो जाएगा, मतलब अगर हम बोलेंगे ही नहीं, कुछ चुप करके बैठे रहेंगे यार, तो मैं कितनी बार समझाऊँ ये चीज़? फिर तो आप, इससे अच्छा तो आप वहां पे जाके देखो ना, जहाँ पे एकदम आपको नीचे से हम स्क्रीन काट के दिखा रहे, एक तो ऊपर से वॉइस भी अच्छी नहीं आती है यहाँ पे, तो आप हम इधर क्यों आते हो? इधर आप सिर्फ इसीलिए आते हो क्योंकि हमें देखना है आपको, हमें देखना है आपको, आपको हमें देखना है। हाँ वही तो। तो यार मतलब ये क्या बात हुई, मतलब कि हम बीच में ना बोले? भाई बीच में बोलेंगे तभी तो मजा आएगा ना। अरे समझो, ऐसा कैसा? अरे nonsense, let's start this video. भाई बमसी साहब ऐसे क्यों खड़े गुस्से में? क्या हुआ? ओ बेचारा, क्या नाम है उसका? जोरबा। जोरबा नहीं नहीं रे, जोरबा मर गया। और कमेंट में इन दोनों को तो बहुत बोलते, बोले तुम्हारे पीछे बैठे इन दोनों हंसते रहते, इनको निकालो इधर से, बोले। अरे भाई जब गद्दारी हो तो मातहती नहीं बचा सकती धुंधार साहब। उस सांप ने आपके अंदर भी जहर भर दिया है, बहुत अफसोस की बात है। जब जोरबा ने बताने वाला था कि बतूर का कातिल कौन है, तो इसने उसे मारने की कोशिश की। इसका क्या मकसद है चचा जान, बताएं हमें। क्या ये सच है सालतुक? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, झूठ है, बोतान है। मैं शिकार करने गया, इन्होंने तीर कमान के साथ देखकर मुझ पर बोतान लगाया। मेरा मकसद जोरबा की चाल लेना नहीं था। मान लेते हैं कि इसका तीर जोरबा को नहीं लगा, लेकिन जोरबा सालतूक के निशाने पर जरूर था। सालतूक तो पकड़ा गया, किसी और ने यह काम पूरा कर दिया। जिसने जोरबा को मारने की कोशिश की वो भाग गया, लेकिन बहुत जल्द उसका राज भी फाश होगा। इस सब के पीछे असल हकीकत क्या है, ये आप हमें बताएंगे चाचा जान। चीचा। चीचा जान। अच्छा तो अदिल्फा के पीछे जा रहे हैं ना? लेकिन हमने आपको उनके हाथों से बचा लिया वाला खातून, अल्लाह का शुक्र है, वरना हुजूर का सामना नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया बुरान साहब, लेकिन हमें शहजादी को भी जल्द बचाना चाहिए, वरना मैं उस्मान से नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ले लेंगे तिचम्मा है ना। मनीक के गाना सुना है क्या? मनीक के तो बहुत ही बुरा हुआ है। ऐड आती रहती बीच में, मनी के ना के टी थे। इस बारे में उस्मान से आखिर क्या कहा? सच में यार रोरी यार, बाला खातून यार, एक मैडम बोलती है बाला के बारे में कुछ। अरे बाला के बारे में मैं काय को कुछ बोलूंगा भाई, मैं क्यों बोलूंगा यार? मैं नहीं बोलता बाला, मेरे में डरता हूँ बाला के। बाला बहुत अच्छी है। इसका एक्सप्रेशन वास्ते भाई का, ये मेरा हुक्म है क्योंकि ये मेरे खेमे का मुहाफिज है। अगर इसने कोई कसूर किया है तो इसको सजा देने का हक सिर्फ मेरे पास है। डोगी रो रहे बाहर। हाँ बाहर। साल तो मेरे हाथों में बड़ा हुआ है,
ये हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। ओके कूल साल्टोक, मेरे साथ आओ, उठो। शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपसे राजी हो। गुंदू साहब का इरादा कोई बुरा नहीं है, ये बतूर के कातिल को तलाश कर रहा है। याद रहे, इनके खिलाफ अपने दिल में कोई नफरत मत पालना। इनके अहकाम के एक एक हर्फ को मानना। नहीं पालूंगा हुजूर, ऐसे ही होगा। नूडल खाने का मन कर रहा है। आलिशार साहब और आइगुल का निकाह होगा। ए काई कबीले ने बहुत अरसे से कोई जश्न नहीं मनाया। वही इसको जश्न मनाने। मैंने चचा होने का हक पूरी तरह अदा किया। मैंने दावत दे दी है, बाकी फैसला अब तुम पर है। आइगुल आपकी बेटी है और हमारी बहन है। बिल्कुल चचा जान, जरूर आए। चिच्चा वतनी। ओए भाई, और भाई बालू क्या हाल है? क्या नाम है इसका? बातूर बेहेदुर। उधर मिलके आया था झाड़ी पे, पीठ की बातें कर रहा था, पीठ की बातें याद है आपको? भाई नौटंकी। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो तुम। बाबा हंस रहे हो? माफी मांगने आया हूँ आपसे। तुम जाकर आराम करो बहादुर, हम चाचा जान के दिल को नरम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो मुझे माफ करेंगे ना? कौन सा बाप अपने बेटे से खफा रह सकता है? सब ठीक हो जाएगा। हासिल नहीं कर सके। हमने कब्र पे जाके देखा है जनाब, वहां की मिट्टी अभी तक खुश्क है। इसका मतलब है चचा जान कब्रिस्तान नहीं गए। बेटा इसके पीछे दोंदार है, हमें इसे तबाह कर देना चाहिए। अगर हमने उन्हें तकरीब से पहले पकड़ लिया तो तनाव बढ़ जाएगा। हमारे रास्ते के दोनों अतराफ बमसी साहब सिर्फ आग ही आग है। अदेल्फा को ले आए शायद से, है ना? हाँ। ये देखो खैर लड़ा बच गई है। चाइनीज जुड़ा की है शायद इसको। इधर ही कर लेती, इधर इधर। ओ देखो you
हिरनी शिकारियों से बचकर कभी नहीं जा सकती। शहजादी सोफिया ने सलाम भेजा है। शहजादी अदेल्फी आपके हवाले आलीशान साहब। और सोफिया वो कहाँ है? क्या हमारे पास आने से भी ज्यादा अहम काम हो सकता है कोई? शहजादी सोफिया इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कोशा है जो हमने कायम किया है, बाकी वो खुद बात करेंगी। हाँ गई हुई है कहीं पे, इतने दिन से दिखी नहीं है ना। गई हुई है, गई भी है कितने, तो गई भी है वो, है ना। जान लो क्या लेना देना कोई भी है। जब काई कबीले का काम तमाम हो जाएगा तब गेहातु को मैं अपने हाथों से ही शहजादी लौटाऊंगा, और फिर इस सरजमीन पर ना कोई उस्मान रहेगा और ना कोई काई सिपाही। मलिक, शहजादी को जिंदान में ले जाओ, ये वहां पर आराम करेगी। आपकी ताकत ने कबीले को हिला रखा है। उस्तादों का कहना है कि घोड़े पर अगर तुर्क ना बैठा हो तो वो घोड़े पर बोझ है। खुश आमदीद बहादुर। उस्मान वापस आ गया। खैरियत है? तुम्हें कौन सी हवा यहाँ ले आई? तड़प, तड़प लेकर आई है उस्मान साहब। माँ की तरफ से तो मैं चौबन और लारी का हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक यहाँ से है। बाहर की जगह नखल और अपनी जगह असल, ठीक कहते हो। वैसे तुम्हारी चचा जान से सुलह हो गई? नहीं, वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। भाई लेकिन उनकी मेरे साथ नफरत भी मुझे वापस आने से यहाँ नहीं रोक सकी। अगर उन्होंने मुझे अपने खेमे में जगह ना दी तो मैं अपना अलग खेमा बनाकर यहाँ रहूंगा। मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। मैंने कुछ सुना है, वो समझते हैं कि बतूर को आपने कत्ल किया है। चचा अपनी आंखों के सामने की हकीकत भी नहीं देख पाते। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। भाई पापा को पागल बोल रहा है। मैं चाहता हूं, जब पहली बार मैंने ये सुना तो मैंने कहा था उस्मान बतूर को अपना भाई समझता है, उस पर अपनी जान छिड़कता है। लेकिन आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, वो बहुत सी बातें करते हैं। यकीनन मेरे पापा मुतासिर हैं। ऐसा ही है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं सोचता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे सिर्फ अपना खून और अपना भाई ना समझे। मुझे दुश्मन के तीर के आगे अपनी ढाल और दुश्मन के खिलाफ अपना एक और हथियार समझो उस्मान साहब। भाई ये जानबूझ के करीब हो रहा है। ये जान लीजिए, शायद मैं बातें करके आपको वक्त जाया कर रहा हूं। सलामत रहे उस्मान साहब। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरलुस उस्मान सीजन 1 एपिसोड नंबर 35। एंड बहुत ज़बरदस्त सीन था ये। एंड उस्मान भी कबीले में वापस आ चुका है, बुरान भी कबीले में वापस आ चुका है, और अदिल्फा उधर अली शार के पास चली गई है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।